अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जी हाँ, मुझे क्रिकेट खेलने का बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था। मैच खेलने के लिए एक मर्तबा मैं एक बड़े शहर के स्टेडियम गया। मौसम अबर आलूद था और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। जो ही मैं क्रीज पर पहुंचा तो मुझे मुखालिफ टीम का बॉलर कुछ जाना पहचाना नजर आया। अचानक मुझे एहसास हुआ कि जो बॉलर भागते हुए गेंद करने जा रहा है वो दुनिया का सबसे तेज तरीन बॉलर शुएब अख्तर है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो गया। जूं जूं शुएब अख्तर बॉल करने के लिए करीब आ रहा था, मेरा दिल बैठता जा रहा था। 100 मील फी घंटा की रफ्तार से शुएब अख्तर ने गेंद की, लेकिन ये क्या, गेंद तो काफ़ी स्लो आई और मैंने आराम से खेल भी लिया। मुझे बड़ी हैरानी हुई। जब मैंने स्क्रीन की तरफ देखा तो मुझे पता चला कि शोएब अख्तर, जो कि इस एंड से ग्रीन एरो के एंड से बॉल कराने के लिए आ रहे थे, उनकी रफ्तार है 100 मील फी घंटा, लेकिन उनके मुखालिफ मुझे सपोर्ट कर रही थी हवा, जो कि 50 मील फी घंटा की तेज़ रफ्तार से चल रही थी और इसी वजह से गेंद मुझ तक आहिस्ता पहुंच रही थी। बहुत जल्द उनके कप्तान ने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया और उन्होंने शोएब अख्तर का एंड चेंज कर दिया। ओ मारे गए, क्योंकि अब शोएब अख्तर 100 मील फी घंटा की रफ्तार से गेंद कराने के लिए उस एंड से आ रहे हैं जहां उनकी मदद करेगी हवा, तेज चलती हुई हवा की वेलोसिटी भी। 50 मील फी घंटा की रफ्तार से चलती हुई हवा की वेलोसिटी, तो शोएब अख्तर की गेंद की वेलोसिटी और हवा की वेलोसिटी इकट्ठे होने जा रही थी और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरा क्या हाल हुआ होगा। चलें एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको कहता हूं कि साथी को पुश करें, तो आपका पहला सवाल होना चाहिए, पुश कहां से करें? क्या इस तरफ से पुश करें? क्या मैं फोर्स इस तरफ से लगाऊं? क्योंकि अगर इस तरफ से फोर्स लगाएंगे तो फोर्स का एक्शन लेफ्ट साइड पर होगा, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से फोर्स लगाएंगे तो फोर्स का एक्शन राइट साइड पर होगा। यहां यह भी बताता चलूं कि अगर आपने फोर्स कम लगाई तो हाथी बहुत कम मूव करेगा, और अगर आपने फोर्स बहुत ज्यादा लगाई तो हाथी बहुत ज्यादा मूव करेगा। फोर्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पर डिपेंड कर रही है कि आप फोर्स किस तरफ से लगाएंगे, किस डायरेक्शन में लगाएंगे और कितनी लगाएंगे। ऐसी क्वांटिटीज जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पर डिपेंड करें, जिनको बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत हो और डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो, उन्हें वेक्टर कहा जाता है। और वेक्टर की इस्तेमाल हम अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल करते हैं कि उनको ड्रॉ करने के लिए और फर्दर कैलकुलेशंस करने के लिए हमें आसानी हो। मसलन अगर आप वेक्टर कैलकुलस को बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो आपको एंग्री बर्ड की गेम ज़रूर खेलनी चाहिए। ये शायद पहला चैनल होगा जो आपको मैथमेटिक्स सिखाने के लिए वीडियो गेम खेलने की बात कर रहा होगा। तो अगर आपने कभी एंग्री बर्ड की गेम खेली है तो उसमें एक बर्ड को हमने जोर से फेंकना है, हमने उसकी फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी कितनी ताकत से उसको फेंकना है इसे भी डिसाइड करना है, और उसका एंगल भी डिसाइड करना है कि हमने उसे किस एंगल पर फेंकना है ताकि एक मुकम्मल प्रोजेक्टाइल बने जो आकर इस पिग को गिराए। इन पिग्स को हमने गिराना है। इसके लिए आपको एंगल और फोर्स का सही तौर पर इंतखाब करना होगा। मैं आपको अपनी कुछ अटेम्प्ट्स दिखाता हूं और आप देखिएगा कि किसी अटेम्प्ट में एंगल ठीक नहीं होगा और किसी अटेम्प्ट में फोर्स ठीक नहीं होगी, और एक अटेम्प्ट ऐसी भी है जहां पर एंगल और फोर्स दोनों ही ठीक नहीं है। तो चलते हैं इस गेम की तरफ। एंगल ठीक नहीं था इसलिए कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप देखें कि फोर्स कम थी, एंगल भी ठीक नहीं था और फोर्स भी कम थी, इसलिए फिर हमें फायदा नहीं हुआ। अब फोर्स बहुत ज्यादा होगी और आप एंगल भी देख सकते हैं कि एंगल भी बहुत ज़्यादा हमने इस फोर्स को दिया, तो इस वजह से दोबारा हम अपने टारगेट को मिस कर गए। लेकिन
इस अटेम्प्ट में हम फोर्स और एंगल को बिल्कुल ठीक रखेंगे, ये, और आपने देखा लेकिन कई ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। मसलन अगर हम टेम्परेचर की बात कर लें तो टेम्परेचर में हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हमें टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड चाहिए होता है उसे बयान करने के लिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, टाइम को ले लीजिए, क्या टाइम को बताने के लिए उसकी डायरेक्शन की जरूरत होती है? जी नहीं, हमें उसकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड या अमाउंट की जरूरत होती है कि कितना टाइम हो चुका है। इस लिहाज से हम क्वांटिटीज को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, दो ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं। एक क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है, जहां पर किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए उसको मैग्नीट्यूड की भी हमें जरूरत होती है और उसके साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। इनमें से कोई एक चीज अगर मिस होगी तो उस क्वांटिटी को पूरे तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता। यहां पर आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट एंड मोमेंट वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जबकि दूसरी किस्म की क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, और आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। तो इन क्वांटिटीज के लिए आपको एंगल या डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। हम चलते हैं वेक्टर्स की तरफ। तो वेक्टर को दो कामों के लिए इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। पहला काम यह होता है कि उससे हम पोजिशन लोकेट कर सकते हैं, किसी भी चीज की पोजिशन लोकेट कर सकते हैं, चाहे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करें, चाहे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें जिसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट्स आते हैं। हर जगह पर हम वेक्टर के साथ पोजीशन लोकेट कर सकते हैं। मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि आप यहां पर देखें तो यहां पर रेड कलर का मेरे पास एक वेक्टर है और एक पॉइंट है जिसकी पोजीशन हम लोकेट कर रहे हैं, और पोजीशन वेक्टर है वो है 3i + 4j। अगर आपको i और j का मालूम नहीं है तो आप कम्प्लेक्स नंबर्स की मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इसको तफसील के साथ बयान किया है। इसी तरीके से जो दूसरी एप्लीकेशन है वेक्टर्स की, वो क्वांटिटीज को डिफाइन करता है। तो अगर हम एक फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दूसरी चीज वेक्टर्स क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं और हमें दो इंफॉर्मेशन देते हैं, एक एंगल की और एक मैग्नीट्यूड की। तो क्वांटिटीज को डिफाइन करना है या पोजिशन को बताना है, वैक्टर्स दोनों सूरतों में हमारे काम आते हैं। वैसे तो वैक्टर्स को लिखने के लिए बहुत सी नोटेशन इस्तेमाल की जाती हैं, बाजुकात बोल्ड वर्ड्स यूज किए जाते हैं। मसलन एफ अगर आप देखें तो ये बोल्ड है, इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर है, इस फॉर्मूले में ये वेक्टर है, मास स्केलर है और एक्सेलरेशन फिर वेक्टर है, और कई जगह पर इनके ऊपर एरोज लगाए जाते हैं। तो मुख्तलिफ नोटेशन से हम वेक्टर्स को इक्वेशंस में डिस्प्ले करते हैं और कई जगह पर हम वेक्टर्स को मैट्रिसेस के जरिए भी डिस्प्ले करते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में छोटे हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। मैं आपको एक वेक्टर दिखा रहा हूं एफ, और इसको हम तोड़ रहे हैं दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट है एक्स और दूसरा कंपोनेंट है एफ वाई। एक्स कंपोनेंट हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, जबकि वाई कंपोनेंट हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग होता है। और अगर मेरे पास इन दोनों कंपोनेंट्स की पूरी इंफॉर्मेशन है तो मैं इस वेक्टर को पूरे तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। इसी तरीके से मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में ले जाऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक वेक्टर है एफ और वो ओरिजिन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो एफ कॉस थीटा होगा और उसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो एफ साइन थीटा होगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इन दोनों कंपोनेंट्स को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर एफ आ जाएगा। तो वेक्टर को कंपोनेंट्स में भी तोड़ा जा सकता है और वेक्टर्स को ऐड भी किया जा सकता है। मसलन इस लड़की को देखें, इस पर दो किस्म की फोर्सेस लग रही हैं, एक F2 फोर्स लग रही है जो कि इस तरफ को है, उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं। इसी तरीके से F1 फोर्स लग रही है जो कि राइट साइड की तरफ लग रही है, उसकी डायरेक्शन भी देख सकते हैं और उसका मैग्नीट्यूड भी देख सकते हैं। तो नेट फोर्स क्या होगी, मैं F1 और F2 को ऐड कर दूंगा। मैं पहले F1 का वेक्टर बनाऊंगा और जहां पर उसका हेड होगा वहां पर दूसरे वेक्टर की टेल बनाऊंगा, तो मेरे पास दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे और फिर मैं पहले के ओरिजिन को दूसरे के हेड के साथ जोड़ दूंगा, तो मेरे पास टोटल वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर या एडिशन का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम दो वेक्टर्स को ऐड भी कर सकते हैं। वेक्टर को ऐड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आप तमाम वेक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करें कि मैं यहां से ओरिजिन से शुरू करूं, पहला वेक्टर मैंने बना दिया, मैंने UVWX को ऐड करना है और पहले के हेड पे दूसरे की टेल, फिर दूसरे के हेड पे तीसरे की टेल, तीसरे के हेड पे चौथे की टेल। तो
तो इस तरीके से मैंने इनको कंबाइन करना है, इस पर मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं, आप उसको डिटेल से देख सकते हैं। और फाइनली ओरिजिन से हमने आखिरी वेक्टर के हेड तक एक लाइन ड्रॉ करनी है और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। यहां पर मैं आपको ए प्लस बी को ऐड करने का बता रहा हूं, तो ए को ड्रॉ कीजिए और फिर इसके ऊपर बी को ड्रॉ कीजिए और फिर फाइनली ए की टेल से बी के हेड को मिला दीजिए, तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। वेक्टर एडिशन का एक तरीका और भी है और उसमें हम वेक्टर्स जो ऐड कर रहे हैं उनको ऐड करने की बजाय उनके कंपोनेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। मसलन ए बी और सी को ऐड करके हम रिजल्टेंट वेक्टर डी बना सकते हैं। लेकिन इसका एक और तरीका यह है कि मैं ए के एक्स कंपोनेंट को ऐड करूं बी के एक्स कंपोनेंट में जो कि बी एक्स है और फिर सी के एक्स कंपोनेंट में, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स बराबर होगा डी एक्स के, रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के बराबर होगा। इसी तरीके से वाई कंपोनेंट को अगर मैं ऐड करूं ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई बराबर होगा डी वाई के। तो हम कंपोनेंट को ऐड करके भी रिजल्टेंट वेक्टर को निकाल सकते हैं और इंडिविजुअल वेक्टर्स को भी ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं वेक्टर के प्रोडक्ट की। तो मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं ये आपने हमेशा याद रखनी है, ये तस्वीर आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में फर्क बताएगी, क्योंकि वेक्टर को दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, एक को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं एक को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो इनके जितने भी पॉसिबल इंटरेक्शन हैं वो बराबर होंगे डॉट प्रोडक्ट प्लस क्रॉस प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट वहां पर जीरो नहीं होता, नॉन जीरो होता है जहां पर दो वेक्टर के सिमिलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक थ्री डायमेंशनल वेक्टर है जिसके कंपोनेंट है ए एक्स ए वाई और ए जेड और दूसरा वेक्टर है बी एक्स बी वाई और बी जेड, तो जब मैं इनको डॉट प्रोडक्ट के जरिए मल्टीप्लाई करूंगा तो ए एक्स और बी एक्स यहां मल्टीप्लाई होंगे वहां पर नॉन जीरो वैल्यू आएगी, डॉट प्रोडक्ट आएगा। इसी तरीके से ए वाई बी वाई जहां पर मल्टीप्लाई होंगे डायगनली वहां पर नॉन जीरो वैल्यू आएगी, ए जेड बी जेड यहां मल्टीप्लाई होंगे वहां पर नॉन जीरो वैल्यू आएगी। इसी तरीके से जहां पर डिफरेंट कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट में नॉन जीरो वैल्यू आएगी। तो ये चीज आपने याद रखनी है, इसे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है, मैं इनको इनके कंपोनेंट्स में तोड़ देता हूं। तो पहले वेक्टर के कंपोनेंट एक्स और वाई, दूसरे कंपोनेंट एक्स और वाई, और अब इनके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस कंपोनेंट को पहले हम इस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास यहां पर bx है और उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं ax से, क्योंकि ये एक ही डायमेंशन में है, इंटरेक्शन सिमिलर डायमेंशन में है, दोनों x कंपोनेंट है, वैल्यू आपके पास नॉन जीरो आएगी। लेकिन जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ ay के साथ bx को, तो इसके साथ ay के साथ जब मैं bx को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर मेरे पास 90 का एंगल है और मेरे पास वैल्यू जीरो आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो आप यहां पर दो वेक्टर्स देख सकते हैं, बी वेक्टर और ए वेक्टर, और उनके बीच में एंगल है थीटा। तो जब भी उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास वेक्टर ए डॉट बी बराबर होगा ए के मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान जो एंगल है उसका कोसाइन कॉस थीटा के। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। तो जब भी कॉस थीटा वन होगा हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा, और मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि अगर आप एक सोलर पैनल ले लें और उसको सूरज के सामने रखें तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बेहतरीन एग्जांपल है। मसलन जो एनर्जी आपको हासिल होगी वो बराबर होगी सूरज से आने वाली रोशनी के स्ट्रेंथ ऑफ रेज, जिसे मैं वेक्टर ए कह सकता हूँ, और साइज ऑफ पैनल जिसे हम वेक्टर बी कह सकते हैं, और उनके बीच में ओवरलैप डायरेक्शन के। तो अगर सपोज वो बिल्कुल सूरज के सामने होंगी तो सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी हमारे पास। सूरज की अगर रोशनी बढ़ेगी तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो फिर भी हमारे पास ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। अगर प्लेट्स का साइज़ बढ़ेगा तब भी एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ इनका एंगल बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर इन प्लेट्स को मैं वर्टिकल कर दूं, इनको मैं टेढ़ा कर दूं, तो अब आपके पास जो एनर्जी आएगी वो कम होगी। तो अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि डॉट प्रोडक्ट का प्रैक्टिकल मुआजना किया जा सकता है इस एग्जांपल के साथ, और इससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि अगर एंगल्स दो वेक्टर्स के बीच में चेंज कर दिया जाए, दो भी वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में एंगल चेंज कर दिया जाए तो डॉट प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब हम आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। तो अगर एक पैरेललोग्राम मेरे पास है, ये एक मेरे पास पैरेललोग्राम है और इसकी दो साइड्स हैं, पहली साइड जो है वो वेक्टर बी से डिनोट की हमने और दूसरी साइड जो है वो वेक्टर ए से डिनोट की, तो हमारे पास ए क्रॉस बी, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इस पूरी शेप का एरिया होगा।
इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा, ये आपने याद रखना है, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो थर्ड डायमेंशन की तरफ होगी। तो मैंने आपको यहाँ पर रूल भी दिखा दिया है कि अगर एक वेक्टर इस तरफ है और दूसरी उंगली आप इस तरफ करेंगे तो आपकी जो थंब है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आपको बता रहा होगा, और ये हमें हमेशा एरिया देता है। तो इनकी जो एप्लीकेशन है वो टॉर्क में है। आप समझते हैं टॉर्क क्या है, मैं आपको टॉर्क के बारे में कई मरतबा बता चुका हूँ। तो आप देखें तो टॉर्क बराबर है रेडियस का क्रॉस प्रोडक्ट होगा फोर्स के साथ। रेडियस भी एक वेक्टर है और फोर्स भी एक वेक्टर है। तो अब यहाँ पर देखें कि आप यहाँ पर एक बॉडी को मूव करवा रहे हैं, एंगुलर मूवमेंट दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बॉडी मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, उस पर फोर्स हमने लगाई एफ, और उसका रेडियस एक्सिस से बाउंड्री तक है आर। तो हमारे पास जो टॉर्क आएगा वो बराबर होगा आर क्रॉस एफ, जो कि आर एफ साइन थीटा। टॉर्क उस वक्त मैक्सिमम होगा जब दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 का होगा। तो एफ इस तरफ को अप्लाई हो रही है और आर इस तरफ को, तो एंगल 90 का है, आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। लेकिन अगर मैं फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगाना शुरू कर दूं तो क्या ये घूमेगा? ये नहीं घूमेगा, और उसकी वजह यह है कि साइन थीटा जीरो हो जाएगा, और उसकी वजह यह है कि दोनों पैरेलल में, या अगर मैं इनको एंटी पैरेलल लगा दूं तो तब भी ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको टॉर्क का बताया गया है, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट की एक एप्लीकेशन है, और इसकी डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट की एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जब एक वेक्टर ग्रीन कलर का और दूसरा वेक्टर है रेड कलर का, तो ग्रीन कलर का वेक्टर जब मूव कर रहा है, उसका एंगल चेंज हो रहा है, तो आप रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ब्लू कलर का है, वो देखें, वो मैक्सिमम उस वक्त होगा जब ग्रीन और रेड पैरेलल नहीं होंगे। वो मैक्सिमम उस वक्त होगा जब ग्रीन और रेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। अब हुआ उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, लेकिन जब भी ग्रीन और रेड ओवरलैप करेंगे वो जीरो होगा, या वो बिल्कुल 180 एंगल पे होंगे फिर भी जीरो होगा। तो यहां से आप क्रॉस प्रोडक्ट की एनिमेशन जहन में रखकर उसे फर्दर अपनी कैलकुलेशंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास कोस्ट गार्ड होते हैं जो कि उन जहाज़ों को ढूंढते हैं जो गुम हो चुके होते हैं। साहिलों पर इनकी ड्यूटी होती है, और इनके पास हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं और ग्राउंड स्टेशंस भी होते हैं। तो एक कश्ती जो कि कराची के साहिल पर किसी वजह से गुम हो गई, और उसके पास एक माइक्रोफोन है, उसने एक वॉकी टॉकी से सिग्नल भेजा कि मेरी हेल्प की जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो उस वक्त कहाँ है, उनको अपने कोऑर्डिनेट्स का नहीं पता, लेकिन जस्ट उन्होंने मेड डे हेल्प का दरख्वास्त भेजी। तो हमारे पास एक रिसीविंग सेंटर था, वो था पैराडाइज पॉइंट पर, और इसी तरीके से एक और रिसीविंग पॉइंट था जो कि है काका पीर पर। तो उन दोनों रिसीविंग पॉइंट्स ने इनकी दरख्वास्त, इनके सिग्नल्स मौसूल किए हैं, और उसके साथ उन्होंने कैलकुलेट करने की कोशिश की कि ये कहाँ पर मौजूद है। अब हम ये तो जान चुके हैं कि ये कहाँ पर मौजूद हैं, दोनों एंटीना से हमने ये मालूम कर लिया, लेकिन अब मसला ये है कि हमारे जो कोस्टल हेलीकॉप्टर हैं वो एक ही है हमारे पास, और वो इस रेडियस में फ्लाई कर सकता है, और एक मरतबा वो बाउंड्री तक आ सकता है और जा सकता है। तो अगर तो कश्ती यहाँ पर पहुँच गई है और ये यहाँ पर ही आया, तो ये कश्ती को देख लेगा, क्योंकि इसने वापस भी जाना है और इसके पास पेट्रोल उतना ही है। लेकिन अगर कश्ती यहाँ पर नहीं है, किसी और जगह है, तो फिर ये नहीं जा सकेगा। हम अज्यूम करते हैं कि विंड की डायरेक्शन भी इसी तरफ है और वाटर की वेलोसिटी भी इस तरफ है, तो पानी भी इस तरफ को बह रहा है सपोज, और विंड की डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो फिर हम ये साहिल पर बैठे एस्टिमेट कर सकते हैं कि कुछ अरसे के बाद ये कश्ती इधर पहुंच जाएगी और जहाज को, इस हेलीकॉप्टर को इस डायरेक्शन में जाना है और जाकर इन लोगों को रेस्क्यू करना है। लेकिन बीच में वाटर की डायरेक्शन चेंज होगी, हम ज़ूम करते हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता कश्ती का रुख बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स ऐड होंगे, और जब मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करूंगा तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अब मुझे अंदाज़ा लगाकर हेलीकॉप्टर को इस तरफ को लेके जाना पड़ेगा। तो मुझे हर वक्त साहिल पर विंड वेलोसिटी और वाटर की वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन को मेयर करते रहना है, और उस तरीके से मुझे हेलीकॉप्टर को उड़ाना है ताकि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। तो मुझे एस्टिमेट भी करना है, प्रिडिक्शन भी करनी है कि ये मोटरबोट कहाँ पर पहुँचेगी उस वक्त, और वहाँ पर मुझे जाना है क्योंकि मेरे पास पेट्रोल नहीं है। लेकिन अगर वाटर की जो डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है और उसकी वेलोसिटी भी बढ़ गई,
तो अब पानी बह भी तेजी से रहा है और डिफरेंट डायरेक्शन में बह रहा है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन और चेंज हो जाएगी। तो विंड वेलोसिटी इस तरफ मूव कर रही है, वाटर की वेलोसिटी इस तरफ को मूव करा रही, तो कश्ती ऐसा ऐसा समंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। और अब इस कश्ती को इस हेलीकॉप्टर से ढूंढना नामुमकिन है। तो इसलिए अगर हमें वेक्टर्स के बारे में मालूम है तो हम लोगों की जान भी बचा सकते हैं कैलकुलेशन के ज़रिए। और ये जो वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही वाक्यात बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा रोनमा हो चुके हैं, और वहाँ पर कोस्टल गार्ड्स वेक्टर कैलकुलेशंस की मदद से लोगों की पोजीशन निकालते हैं, उनसे हिंट्स लेते हैं और फिर उनको रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। तो यकीन जानिए, वेक्टर्स किसी ना किसी वक्त आपकी जान भी बचा सकते हैं। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।